स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, आज हम आपको फिल्म इंडस्ट्रीज की बहुत बड़े सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में बताएंगे। जी हाँ, वही रजनीकांत जिनके नाम से फिल्म चलती है और उनकी हर फिल्म को उनके फैंस बहुत पसंद करते हैं। रजनीकांत की एक्टिंग सबसे अलग और ख़ास होती है और इसी के कारण उनके करोड़ों फैन हैं। लोग रजनीकांत को सुपरस्टार ही नहीं बल्कि अपना भगवान भी मानते हैं। बता दें कि दक्षिण भारत में भी रजनीकांत के नाम से एक मंदिर बनवाकर उनकी पूजा की जाती है। रजनीकांत को यहीं इतनी बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। यह सफलता को हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और उनकी इसी मेहनत के कारण वह एक सुपरस्टार है। बता दें, रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कर्नाटक के बेंगलोर में एक सामान्य परिवार से हुआ था। रजनीकांत ने 6 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई शुरू की। रजनीकांत पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थे। रजनीकांत पढ़ाई के साथ साथ नाटकों में भाग लिया करते थे। स्कूल के नाटकों में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने एक्टिंग का ज़्यादा शौक चढ़ा और उन्होंने उसी शौक को पूरा करने का फैसला लिया। जी हाँ, उन्होंने एक्टिंग में अपना करियर बनाने का सोचा, लेकिन जब रजनीकांत ने अपनी स्कूल पूरी की तब उनके परिवार की आर्थिक परिस्थिति बिगड़ गई। इसीलिए वह परिवार की मदद के लिए बस कंडक्टर की नौकरी करने लगे। भले ही रजनीकांत ने बस कंडक्टर की नौकरी या फिर दूसरी नौकरी की, लेकिन उन पर एक्टिंग का भूत सवार था। वह अपनी एक्टिंग बस में जाने वाले लोगों को दिखाते थे और उनकी एक्टिंग देखकर बस में जाने वाले सभी लोग खुश हो जाते थे और उन्हें बहुत तारीफ मिलती थी। एक बार उन्होंने परिवार से अपना कैरियर फिल्मों में बनाने की बातचीत की, लेकिन पैसा कम होने के कारण उनके परिवार वालों ने उन्हें मना कर दिया। लेकिन तभी उनके दोस्त ने उनकी मदद की और जाकर उन्होंने एक्टिंग सीखी। दोस्तों, आज के वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर करना। हमारी चैनल पे नया आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।